और अगर आप चुनाव के दौरान भी बात करें तो जब तो बहुत ही दौड़ धूप भी आप लोग बहुत मेहनत की थी। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी बात काफी अंतर। मैं सभाओं पूछ रहे हूँ कि आप रे गांव में, आप रे मोहल्ला में, आप रे शहर में, आप कहीं चाहो कहीं ठीक रहेगा। राजसमंद के नाथद्वारा विधानसभा स्तर पर आज नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ की ओर से विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें स्नेह भोज का आयोजन भी हुआ और साथ ही कार्यकर्ताओं से भी रूबरू हुए। इसमें भाजपा के संगठन के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे, कई जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए और हमारे साथ में अभी नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह जी मेवाड़ हैं। विधायक बनने के बाद में आपने स्नेह मिलन समारोह रखा, इसमें कार्यकर्ताओं से फिर से रूबरू होने का एक मंच प्रदान किया, कैसा का क्या रहा कार्यक्रम? आप भी यहाँ शामिल थे तो आप देख रहे हैं कि ये मिलना तो था ही और आज का तारीख में हमने तय किया और हमने सब मेल मिलाप तो हो रहा है और जो भी आगे काम करना है हमें सब साथ में ही काम करना है तो रिश्ता तो बड़ा नहीं है। आज मुख्य रूप से एक कार्यकर्ताओं से रूबरू होना ही चुनाव के बाद ये था या किस? मुख्य तौर से यही था क्योंकि चुनाव के बाद में एक के बाद एक कोई ना कोई कार्यक्रम होते रहते थे तो इस तरह का कार्यक्रम रखने के कभी कोई किसी को तारीख नहीं मिले कभी, तो आज तय हो गया था तो आज ये पहली बार है जो चुनाव के बाद में हम सब बिना कोई अलग उद्देश्य से, बिना कोई अलग काम के लिए, सिर्फ मिलने के लिए हम साथ हुए हैं। पूरी विधानसभा के कार्यकर्ता और सभी लोग जनप्रतिनिधि हो सब शामिल हुए? सब शामिल हुए, इसीलिए हम सब मिलने के लिए ये जो भी कार्यक्रम है सब मिलने का ही कार्यक्रम है और कोई उद्देश्य नहीं है। नाथद्वारा में विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ की ओर से कार्यकर्ता स्नेह मिलन कार्यक्रम नाथद्वारा के लालबाग स्थित क्षत्रिय महासभा भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बाल योगी संत संतोष नाथ आयता की धुनी थे, जबकि विशिष्ट अतिथि संत मदन मुनि, भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट, उदयपुर पूर्व राज परिवार की महिमा कुमारी मेवाड़, जिला उपाध्यक्ष भाजपा भीम सिंह चौहान थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने की। इस दौरान भाजपा के जिला मंत्री सीपी धिंग, महिला मोर्चा विभाग प्रकोष्ठ संयोजक संगीता कुंवर चौहान, हेमंत पालीवाल, प्रदेश प्रतिनिधि केसर सिंह चुंडावत, महेश प्रताप सिंह चौहान, जिला प्रमुख प्रतिनिधि माधव चौधरी, शोभा पुरोहित, मोहब्बत सिंह, मंडल अध्यक्ष हरदयाल सिंह चौहान, जितेंद्र सिंह, प्रदीप काबरा, चतर सिंह राजावत, संदीप श्रीमाली, प्रेम सिंह मदारा सहित नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में शहर व ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी तादाद में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। और आप कुछ लोग हमारी ओरकांड पहले हुए हैं लेकिन ज्यादातर है जो आप मिले हैं तो अंदाज करीब 3-4 महीने पहले जब मारो नाम नाथद्वारा विधायक है उम्मीदवार है ऐसे तुम बताए गए। जब हूँ आज तक मैं आप कुछ लोग हूँ ज्यादा मिल रही हूँ कुछ थोड़ा कम मिल रही हूँ लेकिन पिछला 3-4 महीना में ज्यादातर आप ओलकांड आप पहचान तो बढ़ दीजिए। और अगर आप चुनाव के दौरान भी बात करें तो जब तो बहुत ही दौड़ धूप भी आप लोग बहुत मेहनत की दो और जो नाथद्वारा का नागरिक है वहाँ जो विश्वास के कारण और आप मेहनत के कारण आप ये चुनाव जीते हो अणी वास्ते आप विश्वास और आप मेहनत के वास्ते वो आपने बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव यूं तो मैं देख रहा क्या है लेकिन ये पहली बार है कि मैं खुद चुनाव के वास्ते खड़े हो गया और यही विश्वास और यही मेहनत के कारण जो मारो पहलो कदम लियो आज एक मजबूत कदम उके लाए हो जा रहा है अणी वास्ते आपने बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। चुनाव से पहले और चुनाव से बाद भी बात काफी अंतर है। चुनाव से पहले तो आप विपक्ष में हारे और बाद में अब सत्ता है तो सत्ता और विपक्ष में फर्क तो काफी है। एक फर्क तो सब जाना ही जाए लेकिन अंडे अलावा जो बात है कि जब आप विपक्ष में हारे आप कई बात उठावा लोग सुने कभी बात नहीं सुने लेकिन जब आप सत्ता में आवा तो भले आप दोस्त है भले आप दुश्मन है आप हर कदम देखेगा आपकी हर बात सुनेगा और खास तो जो मीडिया रहा जो अटे भी है मौजूद है आज वे भी देखेगा कि आप कटे कुछ गलत काम तो नहीं की तो गलत बात तो नहीं करी कभी लड़खड़ाया तो नहीं तो अनिवार्य से सत्ता को जो है जिम्मेदारी निभानी पड़ेगा सोच समझ में निभानी है
और मैंने विश्वास है कि आप सब सही तरह से हूँ, सत्ता निभावांगा और आगे जाने अच्छे काम करांगा। युद्ध प्रलोभन भेज सके कि जो पहले सरकार की थी आप अभी हुई चलन, शायद काम जल्दी भेजाए नहीं भेजाए कहीं फर्क पड़े है, क्योंकि अगर आप वही रास्ता अपनावांगा तो बना रहे और आप अभी बीच में कोई फर्क नहीं है। और आप ध्यान रखें कि आप चुनाव जीते तो यानी फर्क के कारण ही जीते आप, और जब तक ये फर्क रहेगा आप हमेशा आगे ही रह पाऊंगा। चुनाव के दौरान और बाद में भी मैंने पूछोगे हो कि आप नाथद्वारा रहे वास्ते कहीं प्राथमिकता है, आप कहीं करना चाहो, तो यो प्रश्न सिर्फ मारे वास्ते नहीं है, यो प्रश्न आप सभा रहे वास्ते है, सभा ने देना है। मैं सभाओं पूछ रहे हूँ कि आपरे गांव में, आपरे मोहल्ला में, आपरे शहर में आप कहीं चाहो कहीं ठीक रहेगा, तो प्रश्न तो है गांव मोहल्ला शहर रे वास्ते, लेकिन नजरिया वेणु चावे आकर नाथद्वारा क्षेत्र रे वास्ते, जो क्षेत्र रे वास्ते भलो है, आपरे गांव मोहल्ला शहर रे वास्ते भलो है, वो इस काम आप आगे करा तो ठीक रहेगा। आप जो भी आपरे सुझाव है या तो पार्टी के थ्रू मंडल अध्यक्ष के थ्रू मैंने बताओ, नहीं तो मारे इंस्टाग्राम अकाउंट है बटे मारो फोन नंबर है, ये फोन नंबर से नाथद्वारा वास्ते मैं कहीं और नहीं दीदो है, तो आपने जो भी सुझाव अगर सीधो पहुंचाना है तो वही नंबर पे आप जरूर दिया, और बच्चे आप सब जो भी काम करना है आप सब मिल बैठने आप काम आगे जरूर ले मांगे। तो एक और बात कहना चाहूँ कि शायद आप देखे होगा कई कई लोग ऐसा है जो मीटिंग में आवे 10-15 मिनट बैठे भाषण देने पर जाए, तो यह आदत मारी नहीं है, जटे तक हो सके वो हमेशा समय पर पहुंचना मेरी कोशिश करूँ। हाँ चुनाव की बात अलग है, जब तो घड़ी अलग ही चले है, लेकिन कोशिश तो है कि टाइम पर पहुंचा, और अब तो मारी कोशिश पूरी है कि मैं टाइम पर पहुंचूं। अना दो कारण है, और जब मैं आपने समय दूँ तो मैं आपने पूरा समय दूंगा। अना दो कारण है कि एक अगर आप कोई किसी आपने बुलावे और आप यूं इसको के हमारे महसूस करवाओ कि आप दूसरों काम है तो वरना तो अनादर दे रहे हो। ये थे विश्वराज सिंह जी मेवाड़, और मुख्य रूप से आपको बताया कि किस तरह से नाथों द्वारा में यहाँ पर क्षत्रिय महासभा भवन में यह एक स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस समय स्नेह मिलन समारोह के तहत विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ सभी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, और साथ ही विधायक निर्वाचन को लेकर उन्होंने सभी का आभार भी ज्ञापित किया। आप जुड़िए जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाए। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।